प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, थोड़ी देर पहले हम महापुरुषों को सुन रहे थे कि आज इंसानों के बीच में इतनी सारी दीवारें खड़ी हो गई हैं, वो चाहे जात पात की हों, वेशभूषा, जाति पाति की या देशों की दीवारें, जिसके कारण हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इन दीवारों में हम एक दूसरे को सिर्फ देख पाते हैं पर हमारे दिल नहीं मिलते, एक दूसरे के बारे में हम कुछ पता नहीं, पूछना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी ईगोज़ को, अपने अहम को आगे ले आते हैं और किसी के साथ दिल के साथ दिल जोड़ना नहीं चाहते। साध संगत जी, बाबा जी ने तो हमें यही सिखाया, वननेस का सबक, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का, यूनिटी का, यही बाबा जी ने सिखाया। और बाबा जी ने तो दो कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर्स हैं उन्हें भी सेपरेटिंग लाइंस नहीं बल्कि मीटिंग पॉइंट्स की तरह का नज़रिया हमें देखने के लिए बताया। इंसान को इंसान के नज़दीक ही लेके आए बाबा जी, निरंकार के साथ जोड़ के। साध संगत जी, एक बार अवनीत जी से संगत में सुना, आप सबने भी सुना होगा, कि हम इस धरती पे हर एक को तो जानते नहीं, फिर हम उसे अपना पूरा परिवार कैसे बना लें। इसका एक ही तरीका ये है क्योंकि कि हम क्यों ना उसके साथ जुड़ जाएं जिसका ये सारा परिवार है, जो सबको बनाने वाला है, और वो इस निरंकार, इस सत्ता के अलावा और कौन हो सकता है जो कायम दायम रहने वाला है। हम इसके साथ जुड़ेंगे तो अपने आप ये सारी दुनिया हमारा परिवार बन जाएगी। बाबा जी ने भी हमें यही सिखाया कि प्रभु के साथ जुड़ के हम सारी दुनिया को अपना परिवार बना सकते हैं। साध संगत जी, धन्यवाद जी।